एवरीवन, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फिफ्थ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम अपनी प्रीवियस जो वीडियो है वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन था स्टूडेंट, इसी के फर्स्ट जो आप लोगों को स्टेटमेंट गिवन है इसका क्या मीनिंग है। इसने कहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कहने का क्या मतलब है, इसकी जो स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या है इस फर्स्ट क्वेश्चन की फोर सिचुएशन गिवन है, जिसमें से फर्स्ट वाली हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड वाली आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इसने कहा है कि क्या ये जो सिचुएशन आपको गिवन है क्या ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी सीरीज है या एपी फॉर्म बनाती है या नहीं बनाती है। अगर बनाती है तो क्या रीजन है, अगर नहीं भी बनाती है तब भी हम इसका रीजन देंगे कि ये क्यों नहीं एपी सीरीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर सेकेंड है। इसने कहा कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हवा फिल हुई पड़ी है। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हवा है और उसके बाद फिल हुई हुई है। और उसने कहा जैसे ही हम क्या करते हैं वैक्यूम पंप से क्या करते हैं 1/4 एयर को रिमूव करते हैं, तो आपको बताना है कि बाकी सिलेंडर में कितनी हवा रह जाती है एक टाइम पर। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट आप चेक कीजिए, इसने यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर ये तो बारे में कंफर्म है, लेकिन कितनी अमाउंट में एयर जो है उस सिलेंडर में फिल है वो आपको कंफर्म नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सिलेंडर में कितनी हवा फिल है इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है, बस आपको ये बता रखा है एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हवा फिल है, बस आपको इतना पता है, लेकिन कितनी हवा फिल है वो नहीं पता। तो जिसके बारे में हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ना। तो हमने वही मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर ए, मतलब क्योंकि जो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, फर्स्ट टर्म क्यों मानेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसको एपी प्रूव करके दिखाना है, एपी मतलब हमें पैटर्न बना के दिखाना है, पैटर्न मींस हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हमें इस तरह से लेके चलेंगे, फिर हम कॉमन डिफरेंस बताएंगे, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो एपी सीरीज बनती है। तो एपी बनाने के लिए देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर हमें एपी फॉर्म बनानी है तो हमें क्या चाहिए, उसका एक पैटर्न चाहिए होता है और उसमें से उसके बाद हम क्या निकालते हैं उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी एपी बन गई है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम इसका फर्स्ट टर्म हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालोगे तभी तो सेकंड में से फर्स्ट निकालोगे तभी तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो हमने इसको फर्स्ट टर्म मान ली है, वो हमारे पास क्या होगी, हमने कहा कि सपोज कर लेते हैं जो सिलेंडर है उसके अंदर जो हवा फिल्ड है हमने उसको मान लिया कि वो आपके पास क्या है एक्स है। ठीक है, देन इसके बाद अब देखो, अब हमने ये कंफर्म कर लिया है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के जो अंदर है वो एक्स एयर जो है वो फिल्ड है। अब क्या काम होगा, अब वैक्यूम पंप रिमूव, अब हमने वैक्यूम पंप से क्या किया है 1/4 उसकी एयर को रिमूव कर लिया है। ठीक है, तो वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखो हमने क्योंकि सिलेंडर में से क्या किया है 1/4 आपने एयर को रिमूव किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो इसने कहा कि जितनी भी पहले आप लोगों के पास सिलेंडर में जो भी हवा फिल्ड है वो कितनी है, वो हमारे पास एक्स फिल्ड है अभी तक। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, वैक्यूम पंप जो है उस 1/4 एयर को रिमूव करता है, रिमूव का मतलब माइनस और 1/4 एयर को करता है, ये लिख लिया। अब करता भी किसका है, ऑफ एयर उसी का 1/4, मतलब जो आपके पास सिलेंडर में जितनी भी हवा रखी है ना
उसी का 1/4 जो है वो जो उसी एयर का 1/4 क्या है रिमूव करता है, उसी का जितनी सिलेंडर में हवा फिल्ड है, ठीक है। तो सिलेंडर में हवा कितनी फिल्ड थी, एक्स थी, इसी का वो क्या करता है 1/4 रिमूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको हम A2 मान लेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बाय फोर विच इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4x आ जाएगा माइनस x हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी सेकंड टर्म निकल गई है। अब हमने यहाँ पर क्या निकाला, देखो अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म निकली है, सेकंड टर्म निकली है, अभी हम 2-3 टर्म और निकाल लेंगे ताकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये जो लाइन है आप लोगों की, ये आपको यहाँ पे सेम रिपीट करनी है, मैं यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ, अमाउंट ऑफ द एयर आफ्टर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड आपके पास क्या है रिमूवल, क्योंकि फर्स्ट रिमूवल तो यहाँ हो चुका है, ये आपके पास क्या है सेकेंड रिमूवल, इसको हम A3 का नाम देंगे, A3 मतलब आपके पास क्या है थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब ये देखो अभी यहाँ पे सिलेंडर में कितनी एयर फिल्ड है, अब जो सिलेंडर में कितनी हवा रह चुकी है जब हमने इसका फर्स्ट जो है रिमूवल पंप, मतलब जो हमने वैक्यूम पंप से उसको रिमूव किया है, तो जो सिलेंडर है उसमें कितनी हवा रह चुकी है वो 3x आपके पास क्या है बाय 4, इतनी हवा सिलेंडर में रह चुकी है, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, रिमूव करता है, रिमूव मतलब माइनस करता है, ठीक है, 1/4 करता है ऑफ किसका, ऑफ एयर का, ऑफ एयर का मतलब जितनी भी सिलेंडर में हवा रह चुकी है, सिलेंडर में हवा कितनी रह चुकी है, ये हवा रह चुका है, इसी का 1/4 जो है वो रिमूव करता है, मतलब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे इसी का जो है वो, इसी का मतलब कहने का ये है कि जो सिलेंडर में हवा है ना उसी का वो क्या करता है 1/4 रिमूव करता है। तो यहाँ पे हम 1/4 ये लगा रहे हैं, रिमूवल का मतलब माइनस लगा रहे हैं, और क्योंकि सिलेंडर में जितनी हवा फिल है उसी को तो रिमूव कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 3x/4 लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास क्या 3x आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस आपके पास 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, देखो आप लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे, 4 आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 4 4 4 4 16, तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 16 हो जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, माइनस 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 9x डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, एक्स आ चुकी है, सेकेंड टर्म जो है वो आप लोगों की 3x/4 आ चुके हैं, जो थर्ड टर्म आई है वो आपके पास 9x/16 आ चुका है, ठीक है। तो एक और हम इसकी एक और निकाल लेंगे, इसके बाद हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेकंड रिमूवल लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये मेरे पास क्या है थर्ड, मेरे पास क्या है रिमूवल, थर्ड रिमूवल पर मतलब मेरे पास कितनी आएगी, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, A4 लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालू तो A4 आ जाएगा। अब सिलेंडर में कितनी एयर रह चुकी है, इतनी तो रह चुकी है एयर, अब हो जाएगा 9x/16, यानी मैं ये कह रही थी आप लोगों को, जैसे आपके पास ये सिलेंडर है, सपोज दैट ये सिलेंडर, इस पूरे के पूरे सिलेंडर में ना एक्स हवा फिल्ड है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जब मैंने इसका फर्स्ट आपका रिमूवल किया है, तो फर्स्ट रिमूवल के बाद जो सिलेंडर में एयर रह चुकी है वो इतनी रह चुकी है, सेकेंड रिमूवल पे जो आपके पास एयर रह चुकी है वो इतनी रह चुकी है, जब मैं अब यहाँ पे थर्ड रिमूवल कर रही हूँ तो ऐसे ऐसे वो, क्योंकि रिमूव कर रही हूँ, रिमूव का मतलब क्या होता है वो कम होती जा रही है एयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके 16 आ जाएगा माइनस, क्योंकि सिलेंडर में कितनी हवा रह चुकी है आपके पास है वो 9x बाय आपके पास क्या है 16, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का 1/4 में इसी में से करते हैं ना, तो 9x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा, मैं ऊपर से इसको रफ कर रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग
हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9x आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या है 9x, बाय आपके पास कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, एलसीएम 64 आ जाएगा आपके पास और 36 आ जाएगा, क्योंकि 16 4 आपके पास कितना होता है, आपके पास 64 होता है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो 36 आ जाएगा, माइनस आपके पास 9x हो जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27x हो जाएगा, इतनी ही आपकी A4 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो A4 आपके पास कितने आ चुके हैं 27x, बाय आपके पास कितने आ चुके हैं 64 आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों को यहाँ पे हेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है x है, सेकंड टर्म हमारे पास 3x बाय 4 आई थी, देन थर्ड टर्म हमारे पास क्या बनी थी स्टूडेंट 9x बाय 16 आपके पास बनी है, एंड देन फोर्थ थी आपके पास क्या है 27x आपके पास क्या 64 आप लोगों की ये बनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये एपी है। सबसे पहले आप ये देखो, ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपके पास कितनी है A4 है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसको AP बनाना है, AP बनाने के लिए मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करूंगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं D1 निकालूंगी, वो D1 कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3x बाय 4 माइनस x बाय आपके पास क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा सॉरी, क्योंकि वो तो x ही है ना, ये x है सिंपल, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 3x है यहाँ पे 4x, ये आ जाएगा ना 4x आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आपके पास हो जाए x बाय 4 आ गया आपके पास। ठीक, देन इसके बाद हम D2 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा D आपके पास A3 माइनस आपके पास A2 हो जाएगा, तो A3 कितना है 9x है बाय 16 है, माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट आपका 16 आएगा, तो यहाँ से 9x हो जाएगा माइनस आपके पास क्या है 12 हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 3x बाय आपके पास कितना हो जाएगा 16, क्योंकि आपके पास क्या है 12 में से अगर हम 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव आपके पास क्या है 3x आ जाएगा डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं AD3, तो हमारे पास क्या होगा A4 माइनस A3। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे स्टूडेंट, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, A2 देखो हमने जो सेकंड टर्म में से इसको माइनस किया, ठीक है इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं और इसमें से हमने क्या किया है इसको माइनस किया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं पीछे से चल रहे हैं, पीछे वाले जो टर्म में से आगे वाले टर्म को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप A1 में से A2 को माइनस करोगे, अगर आप करोगे तो गलत हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपके पास क्या स्टूडेंट, आप ये चेक करो आपके पास क्या A4 कितना है 27x डिवाइडेड बाय 64 माइनस आपके पास A3 कितना है आपके पास 9x है डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 64 आएगा आपके पास, 64 डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 64 से 64 क्या हो जाएगा कैंसिल, 27 आपका एक्स आ जाएगा माइनस, अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 16 के टेबल पे 64 कब आता है 4 पे आता है ना, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 36x हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो अगर हम 36 में से अगर 27 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा ये आएगा नेगेटिव 9x आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब आप ये चेक कीजिए स्टूडेंट, अब हमारा वर्क क्या रह गया, सिंपल सा वर्क है कुछ नहीं है, आपको ये बताना था कि क्या ये AP फॉर्म बनती है। ठीक है, तो आप AP फॉर्म आप कहाँ से चेक करते हो, अगर इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आए, बट आप यहाँ पे चेक कीजिए जो आपका D1 है वो आपका नेगेटिव x बाय 4 आया है और जो D2 है वो आपका नेगेटिव 3x बाय 16 आया है और जो कॉमन डिफरेंस जो आपका थर्ड है वो आपके पास कितना है नेगेटिव 9x डिवाइडेड बाय 64, मतलब आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो लेकिन AP सीरीज तो ये अलाउ ही नहीं करती, AP सीरीज में तो क्या कहती है कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो AP फॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये AP भी नहीं बनेगी। तो आप यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में आप यहाँ पे ये ऐसे लिख लेना हैंस, ठीक है हैंस द कॉमन हैंस द कॉमन डिफरेंस
आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो आप लोगों के पास सेम, चलो यही है मेन, तो यही है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है और इसीलिए एपी फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर सेकंड क्लियर हुआ होगा।